हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं डेल्टा की एल मॉडल की वीए पड़ी में बेसिक पैरामीटर कैसे सेट करते हैं और उसका कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 200 फ्रीक्वेंसी कमांड, मतलब आपको ड्राइव की स्पीड कम ज़्यादा कहाँ से करनी, ये पोटेंशियोमीटर से करनी या ऐसा कोई एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगा है उससे करनी है या ये डाउन की से करनी है, तो उसके लिए आपको पैरामीटर नंबर 200 में जाना पड़ेगा। इसमें अभी 0 है, मतलब ये अप डाउन की से होगी आपकी, अभी आपकी स्पीड कम ज़्यादा। इसमें आप 1 करोगे तो वो टर्मिनल पर आ जाएगा 0 to 10 volt, मतलब यहाँ पर नीचे कोई ऐसा एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर लगा है तो उससे आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। और उसके लिए कनेक्शन आपको 10 वोल्ट AVI और GND में करना है। ठीक है, और जो AVI वाला पिन है वो आपका पोर्ट का सेंट्रल वाला पिन रहेगा। ठीक है, अभी इसमें 2 करोगे तो क्या होगा, टर्मिनल पर 4 to 20 mA पर आ जाएगा, मतलब आपका कोई एनालॉग करंट इनपुट है तो उसे आपको आपकी ड्राइविंग स्पीड कम ज़्यादा करनी है तो उसके लिए आपको इसमें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, 4 to 20 mA से आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी, जैसे वो करंट वैरी होगा वैसे ही आपकी स्पीड कम ज़्यादा होगी। और उसके लिए आपको एक ये ध्यान रखना है कि ये जो स्विच है इसको नीचे की तरफ आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आई की तरफ रखना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसमें 3 करोगे तो क्या होगा, पोटेंशियोमीटर ऑन कीपैड, मतलब ये जो पोटेंशियोमीटर से करनी है आपको स्पीड, तो इसमें आपको 3 करना पड़ेगा। ठीक है, और नेक्स्ट RS485, मतलब आपको कोई ऐसा केबल लगाया है यहाँ पर RS485 PLC में से आ रहा है उससे आपको करनी है तो इसमें आपको 4 करना पड़ेगा, D4। ओके, नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज 201 ऑपरेशन कमांड और रन कमांड, मतलब आपको ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप कहाँ से करना है, आपको ये रन स्टॉप बटन से करना है या नीचे को टर्मिनल से करना है, तो वो ये पैरामीटर डिसाइड करके। ठीक है, तो इसमें अभी 201 में अभी 1 है, 1 मतलब क्या है कि टर्मिनल पर आपका जो अभी रन कमांड है वो आपका टर्मिनल पर है। ठीक है, मतलब आपने कोई यहाँ पर बटन कोई लगा है स्टार्ट स्टॉप का या कोई स्विच लगी है तो उससे आपकी मोटर स्टार्ट स्टॉप होगी। ठीक है, अभी इसमें आप 0 कर दोगे तो क्या होगा कि आपका जो रन कमांड है वो कीपैड पर आ जाए, मतलब ये रन स्टॉप का आपको बटन दिख रहा है वहाँ से आपकी जो ड्राइव है वो स्टार्ट स्टॉप होगी। ठीक, और अगर आप इसमें 3 करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर RS485 का जो केबल आता है PLC में से या कोई और ड्राइव में से आता है तो उससे आपकी मोटर स्टार्ट स्टॉप होगी। ठीक है, तो अभी हम इसमें 1 रखते हैं और मैं दिखा रहा हूँ कि ये टर्मिनल को सिलेक्शन कैसे करते हैं अलग डिफरेंट टर्मिनल को। अभी तो अभी इसमें 1 रखता हूँ, अभी टर्मिनल सिलेक्शन के लिए आपको पैरामीटर नंबर 404 में जाना पड़ेगा। 404 ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि मल्टीफंक्शन इनपुट टर्मिनल जो M0 और M1 है उसका अभी कंट्रोलिंग कैसा है वो ये पैरामीटर डिसाइड कर गया। ठीक है, 404 मतलब अभी डिफॉल्ट अभी 1 है, 1 का मीनिंग क्या होगा कि M0 एज अ फॉरवर्ड वर्क करेगा और M1 एज अ रिवर्स वर्क करेगा, मतलब जब आप GND और M0 को शॉर्ट कराओगे तो आपकी मोटर फॉरवर्ड घूमेंगी, GND और M1 को शॉर्ट कराओगे तो आपकी मोटर रिवर्स घूमेंगी। ठीक है, तो अभी आपको कोई स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन लगा, मतलब पल्स स्टार्ट स्टॉप करना है तो उसके लिए आपको इसमें 3 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप जब इसको स्टार्ट कमांड देने के बाद वो स्टार्ट ही रहना चाहिए ऐसा करना है तो इसमें आपको 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए अभी मैं 3 करता हूँ, देखिए मैंने 404 में 3 कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि आपका जो M2 टर्मिनल है वो एज ए डिफॉल्ट एज ए स्टॉप टर्मिनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो M0 टर्मिनल वो एज ए स्टार्ट टर्मिनल यूज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि आपको जो NC बटन का कनेक्शन करना है वो GND और M2 के बीच में करना है और जो NO मतलब ग्रीन वाले बटन का कनेक्शन वो GND और M0 के बीच में करना है। ठीक है, तो चलिए देखो, मैंने अभी NC तक कर दिया, अभी मैंने स्टार्ट कमांड दिया, मेरी मोटर चालू हो गई। ठीक है, और जब भी स्टॉप करना है तो यहाँ पर जो आपका स्टॉप बटन लगा है उसको आप एक बार प्रेस करोगे तो वो आपकी ड्राइव स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने प्रेस कर दिया तो मेरी ड्राइव स्टॉप होगी। ठीक है, इसी तरह से अभी कोई मल्टी स्पीड के लिए M2 टर्मिनल को प्रोग्राम करना है या M3 टर्मिनल को प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आपको पैरामीटर नंबर 405 में जानना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 405 में अभी 6 सेट है, मतलब अभी उसको आपको मल्टी स्पीड में करना है तो इसके लिए आपको 7 या 8 करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 7 करते हैं, मगर इसमें एरर इंडिकेट कर रहा है क्योंकि अभी ये हमारा जो 406 पैरामीटर है वो ऑलरेडी मल्टी स्पीड 1 के लिए प्रोग्राम है। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसमें। देखिए 7 ही अभी, मतलब वो मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम है, तो दोनों टर्मिनल एक ही मल्टी स्पीड में प्रोग्राम नहीं हो सकते, ठीक है। उसके लिए अभी इसमें 8 करते हैं, मतलब मल्टी स्पीड 2 के लिए इसको प्रोग्राम करते हैं, और 405 को मल्टी स्पीड 1 के लिए प्रोग्राम करते हैं। तो अभी हो गया, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं, हमने टर्मिनल तो सिलेक्ट कर दिए, 405 M2 टर्मिनल फॉर मल्टी स्पीड 1 और 406 हमने मल्टी स्पीड 2 के लिए प्रोग्राम कर दिया, ठीक है। तो अभी इसमें स्पीड कैसे डालते हैं, और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मेरा जो कंट्रोलिंग किया है वो अभी मैंने 404 में 1 है, मतलब 2 वायर सिलेक्ट है, तभी M2 टर्मिनल मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम हो पाएगा और M3 भी मल्टी स्पीड, वरना जब इसमें 3 होगा तो क्या होगा कि M2 टर्मिनल वो आपका NC के लिए प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप फिर से प्रोग्राम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर आप सिर्फ M3 टर्मिनल ही मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम कर पाओगे, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों टर्मिनल मैं मल्टी स्पीड के लिए प्रोग्राम कर सकूँ, इसलिए मैंने इसमें अभी 1 किया है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि आपको स्पीड कौन से पैरामीटर में डालनी है। तो 500 में आपको स्पीड डालनी पड़ेगी, इसमें डिफॉल्ट 0 ही सेट होती है, मगर मैंने आपको दिखाने के लिए अभी 1 डाली है, ठीक है। सिमिलरली वो ये जो स्पीड डाली हमने 500, वो जब GNDU और M2 शॉर्ट होगी तो ये स्पीड आएगी 501। ये स्पीड 2 की स्पीड है, मतलब जब GNDU और M3 शॉर्ट होगी तब 2 की स्पीड आएगी, ठीक है। और जब आप एक साथ दोनों को M2 और M3 को दोनों को एक साथ शॉर्ट करोगे तो आपने जो 502 में स्पीड डाली है वो आएगी, ठीक है, 3 की स्पीड आएगी। अभी मैंने इसमें सेट किया 1 2 3, डिफॉल्ट 0 ही सेट होती है, ठीक है। चलिए मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे स्पीड वर्क करती है। देखिए GNDU और मैं जब M2 शॉर्ट करूँगा तो मेरी मोटर 1 की स्पीड पर ही घूमेगी, क्योंकि वो पैरामीटर मैंने 1 डाला है उसीलिए, ठीक है। जब GNDU और M3 मेरा शॉर्ट होगा तो 2 की स्पीड आएगी, ठीक है। और जब ये दोनों M2 और M3 दोनों शॉर्ट होगी तो मेरी कितनी स्पीड आएगी, वो जो तीसरे पैरामीटर में डाली उतनी स्पीड आएगी, ठीक है, 3 की स्पीड आएगी, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी स्पीड के लिए ये ड्राइव हमारी प्रोग्राम होगी। जब भी वो M0 के साथ आप ये कमांड दोगे तो उतनी स्पीड पर आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। देखिए अभी स्टार्ट हो गई 1 की स्पीड पर, 2 की स्पीड पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज पैरामीटर रिसेट, मतलब आपको ड्राइव को फिर से फैक्ट्री डिफॉल्ट करना है, तो उसके लिए आपको पैरामीटर नंबर 002 में आपको 10 करना पड़ेगा। उससे क्या हो गया कि आपकी ड्राइव है वो फैक्ट्री डिफॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर मेरी ड्राइव फैक्ट्री डिफॉल्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज 100 मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको मोटर को मैक्सिमम कितनी स्पीड में चलानी वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी 60 है, मतलब 60x30 इज इक्वल टू 1800 RPM पर आपकी मोटर घूमेगी, ठीक है। सिमिलरली 108 लोअर बाउंड ऑफ आउटपुट फ्रीक्वेंसी पैरामीटर क्या डिसाइड करेगा कि आपको मोटर को मिनिमम कितनी स्पीड में चलानी वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा। और जो ये पैरामीटर वो आपकी मैक्सिमम स्पीड को एज अ 100% कंसिडर करेगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें लाइक 10 करोगे तो आपकी मैक्सिमम 50 होगी, तो इसमें 5 आपकी मिनिमम स्पीड सेट हो जाएगी। नेक्स्ट पैरामीटर इज 101, ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी आपकी बेस फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी मोटर की नेमप्लेट पर कितनी फ्रीक्वेंसी लिखी है वो आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। जनरली हम 50 डालते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज 102 मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब आपकी मोटर की नेमप्लेट पर कितने वोल्टेज लिखे वो इसमें डालने होंगे। 220 वाली ड्राइव है उसी लिए इसमें डिफॉल्ट 220 सेट है। कोई लोड ऐसा है जहां पर आपको ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत, मतलब आपकी ड्राइव आपका लोड नहीं उठा पाए तो इसमें थोड़ा वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मगर अगर ऐसा है कि आपकी ड्राइव ज़्यादा MPL ले रही है तो उसके लिए आपको थोड़ा वोल्टेज कम करने पड़ेंगे, ठीक है। 220 वाली ड्राइव तो इसमें आप मिनिमम 200 तक कर सकते हो, और 440 वोल्ट वाली ड्राइव तो इसमें मिनिमम आप 380 तक कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या है कि आपकी एम्पीयर थोड़े कम हो जाएगी, जब लाइट लोड हो तभी ऐसा करना, ठीक है। क्योंकि हैवी लोड में आप वोल्टेज कम करोगे तो आपकी जो ड्राइव है वो आपकी मोटर का लोड नहीं उठा पाएगी, ठीक है। इसलिए आपके उसमें वोल्टेज ज़्यादा रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट 106 मिनिमम आउटपुट वोल्टेज, मतलब आपका कोई लोड ऐसा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपकी ड्राइव आपकी मोटर को तुरंत नहीं चला पा रही, टाइम भी शॉर्ट एकदम शॉर्ट कर दिया 1 सेकंड या उससे भी कम कर दिया, फिर भी आपका लोड तुरंत नहीं उठ पा रहा है ऐसा लग रहा है, तो आप इसमें मिनिमम आउटपुट वोल्टेज है वो उसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी इसमें आप 15 या 20 कर सकते हो, इसमें अभी मैं 15 करता हूँ, ठीक है। बाद में इसको एंटर कर देना है,
फिर भी इसमें एरर दिखाए, क्योंकि आपको फिर से एक पैरामीटर 104 में पहले आपको जितना रखना है वोल्टेज उतना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट वोल्टेज है, उसके पहले आपको इसमें आपको जितना वोल्टेज वहाँ पर रखना है उतना यहाँ पर पहले सेट कर देना होगा, ठीक है, 104 में, बाद में 106 में आप वोल्टेज बढ़ा पाओगे, ठीक है, जितना इसमें रखना है उतना 104 में कर देना, ठीक है। तो आप तो इससे क्या होगा कि आपका जो मोटर है वो फटाफट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 109 एक्सेलरेशन टाइम, मतलब आपकी ड्राइव मिनिमम स्पीड से मैक्सिमम स्पीड में कितनी देर में जानी चाहिए वो ये टाइम डिसाइड करेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम आप आपके एप्लीकेशन के हिसाब से जितने चाहे उतना सेकंड सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी 110, अभी ये क्या है 10 सेकंड सेट है इसमें, ये डिफॉल्ट सेट है, मतलब आपकी मोटर मैक्सिमम जब आप उसको स्टॉप कमांड तो मैक्सिमम स्पीड से जीरो स्पीड में कितनी देर में आनी चाहिए वो ये टाइम डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी इसमें 10 सेकंड सेट है। नेक्स्ट 202, ये पैरामीटर क्या है स्टॉप मीटर, मतलब जब आपने आपकी ड्राइव को स्टॉप कमांड दिया तो आपकी मोटर कैसे स्टॉप हो जानी चाहिए, रैम टू स्टॉप, मतलब आपने जो यहाँ पर डिक्लेरेशन टाइम सेट किया उसके हिसाब से स्टॉप होने चाहिए या कॉस्ट ड्रॉप, मतलब वो अपने आप ही घूमती रहनी चाहिए, ऐसा करना है तो आपको इसमें 1 करना पड़ेगा, ठीक है। डिफॉल्ट इसमें 0 सेट होता है, मतलब क्या है कि वो डिक्लेरेशन टाइम के हिसाब से वो स्टॉप होगी, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर इज 700 मोटर रेटेड करंट, ये पैरामीटर क्या करेगा कि आपकी मोटर जो भी एमपी ले रही है उसको ये पैरामीटर लिमिट करेगा, आपने इसमें जितना सेट किया होगा उतने पर उसको मोटर करंट को लिमिट करेगा, इसमें परसेंटेज के हिसाब से सेट होते हैं, ठीक है, थीके? वो आपकी मोटर को ओवर हीट होने से बचाएगा, ठीक है। ये पैरामीटर में आप जितने डालोगे, अभी 85% सिलेक्ट है, इसमें मैक्सिमम आप 120 तक ले जा सकते हो, ठीक है। और लास्ट में पैरामीटर 0702, ये क्या है टॉर्क कंपेंसेशन, मतलब क्या है कि आपका कोई ऐसा लोड है हाई इनर्शिया वाला तो इसमें आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, मगर अगर आप इसमें टॉर्क बढ़ाओगे तो आपकी एम्पियर भी थोड़े बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको मोटर को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है, उसके लिए आपकी ड्राइव इसमें ज़्यादा वोल्टेज या टॉर्क जाने देती है, ठीक है। उससे क्या है कि आपका थोड़ा एम्पियर भी बढ़ जाएगा, इसीलिए आपको ये आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे डेल्टा की एल मॉडल की VFD के बेसिक पैरामीटर और उसका कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग। और अगर आपको जानना है कि नई नई VFD में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग करते हैं तो मुझे नीचे कमेंट में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा उस VFD पर एक वीडियो बनाने का। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, और आप जानना चाहते हैं नई VFD में कैसे पैरामीटर डालते हैं और कंट्रोल टर्मिनल वायरिंग करते हैं तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।